स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में। और ये जो बर्ड्स आप देख रहे हैं ये एक अनमोई बर्ड्स कंपनी है उसके हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो ऐसा कुछ बॉक्स मिलेगा और मेरे को लगा कि ये सबसे चीपेस्ट और थोड़ा ठीक क्वालिटी के ईयरबड्स होंगे। अगर AliExpress की बात करते हैं तो ये अराउंड 1100 रुपये में मिल जाते हैं और Amazon पे ये इंडिया में लगभग 2000 रुपये में सेल होते हैं। Flipkart वगैरह पे मिल जाते होंगे बट Amazon पे मैंने रिसेंट प्राइस चेक किया तो 2000 रुपये कुछ प्राइस दिखा रहा था इसका। और डिसेंट बैटरी बैकअप है और जो वॉइस की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो सामने आप देख सकते हैं इस बॉक्स के आपको बैटरी का स्टेटस दिखता है और 150 घंटे का इसका जो है स्टैंड बाई टाइम है और 6 से 7 घंटे म्यूज़िक सुना देता है आपको और ऐसा कुछ दिखता है। और जो लाइट्स आप देख सकते हैं बड़ी ब्लू कलर की जो लाइट है ये आप इसका एक सेलिंग पॉइंट भी बोल सकते हो और कह भी सकते हो कि काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो एक काम कर लेते हैं इससे निकाल लेते हैं, मैं आपको क्लोजली दिखा देता हूँ कि ये बर्ड्स हैं जो कैसे दिखते हैं। और जब इसको बाहर निकाल देंगे तो भी आपको महसूस हो जाएगी कि क्वालिटी जो है काफ़ी डिसेंट बनाई है। मतलब ऐसा लगता नहीं है देख के कि इस प्राइस में, क्योंकि नॉइस वगैरह के मिलते हैं मुझे 3000 रुपये प्राइस में, नॉइस के जो आते हैं 2500-3000 रुपये के प्राइस में जो बर्ड्स स्टार्ट हो जाते हैं, बट जो क्वालिटी थी मतलब ऑलमोस्ट कुछ ऐसी थी। ये चाइना से आए हुए प्रोडक्ट हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट ही होते हैं मोस्टली, बट ये एक बजट फ्रेंडली भी है और डिसेंट भी लगा मेरे को। बाकी चीज़ों के बारे में बताता हूँ मैं आपको, तो अभी एक बार क्लोजली मॉनिटर कर लेते हैं आपको। तो इसके ऊपर ये आप देख सकते हो बर्ड्स जो है रेड कलर के बर्ड्स मिलते हैं और 2 पेयर आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं। यहाँ पर एक बटन मिल जाता है जिसको प्रेस करने पर आप ब्लू कलर की लाइट देख सकते हैं और जो लाइट का कलर है वो भी चेंज हो जाता है अगर आप पेयरिंग मोड में, अभी जैसे कि पेयरिंग मोड में तो ब्लू ऑन होगा, नहीं तो ये जो लाइट का कलर है वो चेंज हो जाएगा अगर ये आपको पेयर हो जाता है तो। और कुछ नोटिफिकेशंस पे भी ये जो लाइट है वो ब्लिंक करती है। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर जैसे ही, एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों आपको कि जैसे ही बॉक्स को आप ओपन करते हो तो ये जो है पेयरिंग मोड डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाता है, अगर आपने किसी अपने फ़ोन के साथ पेयर किया हुआ है तो इमीडिएटली पेयर भी हो जाते हैं। तो दूसरा एक फ़ोन लेते हैं और ज़रा देख लेते हैं कि पेयर कितनी देर में हो जाते हैं ये। तो यहाँ पे अगर आप फ़ोन पे देखेंगे तो ये IP10X करके कुछ दिखाएगा आपको और ऑटोनोमोई बोर्ड बर्ड वगैरह कुछ ऐसा नाम नहीं आता है इसका, तो ये IP10X के नाम हम पेयर कर देते हैं इसको। और ये लो जी पेयर हो गया। पेयर होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव दिखा दिए उसने, जो बैटरीज का स्टेटस है वो भी दिखा दिया, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और कुछ फंक्शंस वगैरह यहाँ से आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो मैं काम करता हूँ, एक दो गाने सुनता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसी है इसकी साउंड की क्वालिटी। तो 2-4 गाने सुनने के बाद ना मेरे को एक चीज़ तो रियलाइज़ हुई, इसका जो बेस है वो ठीक ठाक है बट 2 चीज़ें मेरे को बड़ी अच्छी लगी। ग्रिप नो डाउट बहुत अच्छी है, मेरे कानों में तो बड़े अच्छे फिट हो रहे, तो उम्मीद है आपके कानों में भी अच्छी तरह फिट हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता रनिंग करने में भी कोई दिक्कत है कि इजीली गिरने वाले हैं आपके कानों से, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा। एंड जो दूसरी चीज़ मेरे को इसकी सबसे अच्छी लगी वो है इसकी रेंज, मतलब 30-40 फीट आराम से घूमते रहो, ये जो कनेक्शन है वो ब्रेक नहीं होने वाला आपको। दोस्तों कैसा लगा आपका वीडियो बताना ना।